मेरा नाम मानसी है और मेरी शादी एक अमीर घराने में होकर मैं दुल्हन बनकर अपनी ससुराल आ गई। पहले तो मुझे मेरे ससुराल का माहौल समझ नहीं आया क्योंकि यहाँ काम ही कुछ अजीब तरह के होते थे, मेरी तो समझ से बाहर ही थे। जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई तो घर में मेरा ससुर और एक जेठानी ही रहती थी। जब मैं शादी होकर गई थी तो मेरे पति और जेठ जी किसी कारोबार के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहते थे। दरअसल मेरी लव मैरिज हुई थी लेकिन यह शादी मेरे घर वाले की मर्जी के खिलाफ थी। घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं इस लड़के से शादी करूं क्योंकि ऐसा लगता था जैसे मेरा पति हमेशा नशे में धुत रहता था, मगर सच सिर्फ मैं ही जानती थी, वो कोई नशे नहीं करता था। मैं चाहती थी कि मेरी शादी पूरी धूमधाम से करवाई जाए लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहा क्योंकि मेरे घर वाले इस शादी से बिल्कुल नाराज थे। लेकिन मेरे सर पर तो मोहब्बत का भूत सवार था, उसके अलावा मुझे तो कोई दूसरा नजर ही नहीं आता था। कहते हैं ना, मोहब्बत करना मुश्किल नहीं है, सच्चे दिल से निभाना मुश्किल होती है। मैं दुल्हन बनकर अपने पति के घर आ गई। शादी के कुछ दिन बाद ही वो जॉब करने लगे क्योंकि कमाने के बगैर घर का गुजारा नहीं चलता। वो सुबह तैयार होकर काम पर चले जाते और काफी रात तक घर वापस आते। घर में सिर्फ मेरी जेठानी और मैं ही रहती। जैसे ही शाम हुई तो मेरी जेठानी को ससुर के कमरे जाती देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि वो कमरे के अंदर जाते ही कमरे का दरवाजा लॉक कर लिया। यह देखकर मैं सोच में पड़ गई कि भला इतनी रात में अंदर मेरे ससुर के पास उसका क्या काम है। कुछ देर के लिए तो सोचा कि शायद कोई काम होगा, तो मैं कमरे की तरफ देखती रही कि वापस बाहर आ जाएगी, लेकिन मैंने सोचा वैसा नहीं हुआ। उसे गए हुए 2 घंटे हो गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। तभी अचानक जॉब से मेरे पति घर आ गए और मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद मैं अपने पति के लिए दूध गर्म करने किचन में गई। तभी अचानक से मेरी नजर जेठानी जी के कमरे पर पड़ी तो मैंने देखा कि वो अभी तक बाहर नहीं निकली और ससुर जी के कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। मैं सारी रात सोचती रही कि आखिर कमरे में वो कर क्या रही थी। खैर सुबह हुई तो मैंने पूछना चाहा लेकिन हिम्मत ना हुई और मैंने इस बात के बारे में चर्चा भी ना की और अपने काम में जुट गई। लेकिन अगले दिन भी ऐसा ही हुआ। जब उसे लगा कि घर में सभी सो चुके हैं तो वो ससुर जी के कमरे में चली गई और तुरंत लाइट बंद कर ली। मुझे जेठानी पर शक होने लगा, उसका तो यह रोज का काम हो गया। मैं आहिस्ता से चलकर कमरे के दरवाजे के पास पहुंची और दरवाजे के पास अपना कान लगाकर अंदर की आवाजें सुनने लगी। अंदर की आवाज सुनकर तो मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के अंदर से जेठानी की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। अंदर का मंजर देखकर तो मैं पूरी तरह से चौंक गई कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। एक बार के लिए तो मैंने सोचा कि ये मेरा कोई वहम है, लेकिन मैंने अपने कानों से वो आवाज सुनी थी तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि अंदर मेरी जेठानी ससुर के साथ। लेकिन मैं जैसे ही दरवाजा खोलने लगी तो कमरे की लाइट जल गई। यह देखकर मैं बहुत घबरा गई और जल्दी से वापस अपने कमरे में आकर बैठ गई। बैठे बैठे सोचने लगी कि इस बारे में अपने पति से बात करूं, लेकिन मेरी यह बात बताने की हिम्मत नहीं हुई और इस राज को अपने सीने में ही दबाए रखा और अपनी जेठानी से ही इस बारे में बात करना सही समझा। तो मैं अगले दिन उनके पास गई और बोली कि इतनी रात में आप ससुर जी के कमरे में क्या करने जाती हो और कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा भी बंद कर लेती हो। मेरी यह बात सुनकर वो हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। शायद उसको मेरे मुंह से इस तरह की बात सुनने की उम्मीद नहीं थी। कहने लगी कि ससुर जी हाथ में बहुत जोर से दर्द होता है तो उनके हाथ में मालिश करने के लिए गई थी। तो मैंने पूछा दरवाजा लॉक करने की क्या जरूरत थी। यह सुनकर मेरी जेठानी ने मुझसे झूठ बोल दिया कि कमरे से कब की बाहर निकल गई थी। मैं तो बाथरूम में थी इसलिए तुम्हें दिखाई नहीं दी होगी। लेकिन उसकी बातों से साफ मालूम हो रहा था कि वो झूठ बोल रही है। मेरी जेठानी ने मुझसे कहा कि अब तुम अपने कमरे में चली जाओ, मुझे सोना है, मेरा सर दर्द कर रहा है। तो मैंने पूछा क्या हुआ तो वो हड़बड़ाकर बोली, क्यों तुम इतनी सी बात को लंबा चौड़ा बढ़ा रही हो और भूल जाओ इस बात को। मैं अपने कमरे में चली आई
और इस बात को सोचकर मेरे भी सर में दर्द होने लगा कि आखिर जेठानी ससुर के साथ करती क्या है। मेरी जेठानी भी अजीब तरह की औरत थी। वो हमेशा खामोश सी रहती और बहुत ही खुले कपड़े पहनती थी। कोई ना कोई राज को मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। एक दिन की बात है, हम सब एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी मेरे ससुर जी बोले के ऊपर वाले की देन है जो मुझे एक ही बेटा दिया, ये सब दौलत उसी की तो है। मैं हैरानी से बोली, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, एक और भी बेटा है ना आपका। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, हाँ एक और भी बेटा है, गलती से निकल गया। हम सब ससुर की बात सुनकर हैरान से रह गए कि भला कौन अपनी औलाद को भूल सकता है। मेरी जेठानी भी मेरी यह बात सुनकर इधर उधर देखने लगी, तो मुझे समझ आया कि ये सब मुझसे कोई बात छुपा रहे हैं। जैसे ही रात होती तो मेरी जेठानी रोजाना कमरे में चली जाती और कमरे की लाइट बंद कर लेती, मगर मैंने फिर से पूछा तो वही बताया कि उनके हाथ में दर्द है इसलिए मालिश करने गई थी। लेकिन मैं हैरान तो इस बात से थी कि जब मेरे ससुर सो जाते हैं तो मेरी जेठानी कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलती, सारी रात उनके पास ही रहती। अजीब बात तो ये थी कि मेरी जेठानी किसी दूसरे खानदान से थी और वो आवाजें तो रात को कमरे से आती थी। उस आवाज के बारे में सोचते सोचते मेरे दिमाग की नशे फटे जा रही थी, जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वो सब यहाँ होता देख रही थी। एक दिन तो मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मेरी जेठानी को मैंने कपड़े बदलते देख लिया, वो मुझे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई। लेकिन उसकी सच्चाई देखकर तो मेरे जिस्म से पसीना ही निकल गया, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और बहुत जल्द माँ बनने वाली थी। तो मैं उनके पास जाकर बोली, यह बात तो आपने मुझे कभी बताई ही नहीं कि आप माँ बनने वाली हो। तो अचानक से लड़खड़ी आवाज में बोलने लगी कि हमारे खानदान में 7 महीने पूरे होने से पहले यह सब किसी को नहीं बताया जाता, कहते हैं कि बताने से नजर लग जाती है। तो मैंने कहा, तुम्हारे अलावा भी मुझे यह बात किसी ने नहीं बताई। तो वो बोली कि उनको याद नहीं रहा होगा। तो मैंने सोचा, आखिर इतनी बड़ी बात कोई कैसे भूल सकता है, मगर आज तक मुझे भी नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि जेठानी हमेशा खुले कपड़े पहनती थी तो कपड़ों में कुछ नजर ही नहीं आता था। लेकिन उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि 7 महीने की प्रेग्नेंट है। तभी ख्याल आया कि शायद 7 महीने पहले उसका पति घर आया होगा। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि घर में कोई उसका नाम भी नहीं लेते थे। मुझे मेरे ससुराल आए भी काफी महीने बीत चुके हैं, लेकिन मेरे जेठ का मुझे आज तक पता नहीं चला। फिर मैंने सोचा कि एक तो मेरी जेठानी की यह हालत, ऊपर से मेरे ससुर के कमरे में जाकर सारी रात उनके पास रहना, मुझे ऐसा सोचने से भी डर लगने लगा। एक दिन हम सब बैठकर खाना खा रहे थे, मेरी जेठानी भी मेरे पास ही बैठी थी, तो मैंने उनसे कहा कि आपके लिए बाजार से कुछ चटपटी चीज लेकर आई हूँ, ऐसी हालत में आपका शायद कुछ खट्टा खाने का मन हो रहा होगा। तभी अचानक से बोली कि तुम्हें किसने कहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जबकि मेरे पति भी कुछ सालों से मेरे पास नहीं आए हैं। जेठानी के मुंह से यह सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गई, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, अगर जेठ जी नहीं आए तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई। मेरे पति ने कहा कि वो तुमसे मजाक कर रही थी और तुमने सच मान लिया, बल्कि अभी वो पेट से नहीं है। तभी मेरी जेठानी बोली कि मुझे आज मेरे मायके से फोन आया था, इसलिए कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो मेरे ससुर हूँ बोले, अगर तुम्हारी मम्मी बोल ही रही है तो चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मेरी जेठानी मुझे नजरें नहीं मिला पा रही थी, वो बार बार नजरें चुरा कर मेरी तरफ देख रही थी, जैसे मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई हो। उनके जाने के बाद मेरे पति बोले, तुम्हें यह किसने बताया था। तो मैंने कहा कि खुद अपनी आंखों से देखा है, उनका पेट इतना बड़ा था कि तभी मेरे पति मेरी बात पर हंसने लगे और बोले, यह उनके मोटापे के कारण दिखाई देता है और तुम प्रेग्नेंट समझ बैठी। तो मैंने इस बात को लेकर कोई बहस ना की, मैं यह कैसे मान लूं, बल्कि खुद अपनी आंखों से देखा था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो मुझसे छुपा क्यों रही है, आखिर मैं भी तो एक औरत हूँ, कब तक छुपा कर रख सकती है।
किसी दिन तो सामने आना ही होगा। मेरे ससुर उसे मायके से शाम तक घर वापस ले आए तो मैं जेठानी को देखकर फिर से हैरान सी रह गई। उसके गाल पर एक बहुत बड़ा निशान बना हुआ था। मैं पास गई और पूछा, ये क्या हुआ? तो कहने लगी, रास्ते में किसी दीवार से टकरा गई थी। जेठानी की बातों में झूठ दिखाई दे रहा था। वो अपने कमरे में चली गई। जैसे ही रात हुई तो मौका देखकर वो ससुर के कमरे की तरफ जा रही थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत उदास दिखाई दिया। जेठानी की यह हालत देखकर मुझे समझ आया कि शायद इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था, मगर यहाँ पर तो सब कुछ खुद ही कर रही थी। यह देखकर मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। तो एक दिन गुस्से में आकर जेठानी से कहा, तुम मुझसे हर बार झूठ क्यों बोल देती हो? मुझे सब कुछ दिखाई देता है। उस दिन मैंने अपनी आँखों से देखा था कि तुम प्रेग्नेंट हो और इतना मोटापा भी नहीं है। आखिर तुम अपने पति की गैर मौजूदगी में प्रेग्नेंट कैसे हो गई? लेकिन वो मेरे सामने खामोश खड़ी रही, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मैंने फिर से कहा, सारी रात तुम ससुर के साथ उनके कमरे में क्या करती हो? मालिश करने में सारी रात थोड़े ही लगती है। क्या तुम दोनों के बीच कोई नजायज संबंध तो नहीं है? अगर जो मैं कह रही हूँ यह सच हुआ तो सोच लेना तुम्हारे साथ इसका क्या अंजाम होगा। ये मत सोच लेना कि तुम अपने पति की गैर मौजूदगी में किसी और के साथ अपने जिस्म का सौदा कर लोगी। अगर तुमने इस बच्चे को जन्म दे दिया तो तुम्हारा पति इस दुनिया को क्या जवाब देगा? इस बात को कब तक छुपाए रखोगी? अपने ही हाथों क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? मेरी यह बात सुनकर जेठानी को गुस्सा आ गया और बोली, चुप हो जाओ। हाँ, मैं अपने ससुर के कमरे में ही रहती हूँ सारी रात, और यह बच्चा भी उनका नहीं है। इस बात को जानने की इतनी ही जल्दी है तो आज मेरी जगह तुम चली जाना और सच्चाई अपनी आँखों से देख लेना, तुम्हें यकीन हो जाएगा। तो मैंने कहा, आज ऐसा ही होगा, आखिर हर बार औरत ही गलत नहीं होती। लेकिन मुझे हर बार जेठानी ही गलत नजर आ रही थी। मैं कमरे के अंदर जाने लगी तो देखा कि कमरे की लाइट पहले से ही बंद थी। मैं कमरे के अंदर चली गई और जेठानी के बताए अनुसार मैंने दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही मालिश करने उनके बिस्तर पर बैठी तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं सोच भी नहीं सकती थी। कहने लगे, मेरी जान, आज इतना लेट कैसे हो गई? मैं बहुत घबरा गई और खामोश बैठी रही। तभी मेरे ससुर बोले, आज इतनी गुमसुम कैसे हो? मुझसे नाराज हो क्या? वो ऐसे बोल रहे थे जैसे उनके पास खुद की बीवी बैठी हो। मेरे साथ कुछ गलत ना कर बैठे, यह सोचकर तुरंत कमरे से बाहर निकल आई और अपनी जेठानी को हैरानी से देखने लगी। मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ कमरे में ले गई और मुझे अपनी शादी का एल्बम दिखाया, जिसे देखकर तो मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। मेरी जेठानी मेरे ससुर के साथ दुल्हन बनकर बैठी थी। तो वो बोली, यह मेरे ससुर नहीं बल्कि मेरे पति है। तुम्हारे ससुर बहुत बुरे इंसान है, रात को मेरे साथ ना जाने क्या क्या जुल्म करते हैं, और मैं सब कुछ सहने पर मजबूर हूँ क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, और तुम जिस बच्चे की बात कर रही हो वो इसी शैतान का है। यह सब कुछ तुम्हारे पति का किया धरा है, तुम्हें इस राज से दूर रखा ताकि यह बात किसी को पता नहीं चले। यह जो मेरे गाल पर निशान बना हुआ है, उस रात तुम्हारे दरिंदे ससुर ने मुझे पीटा था, इसलिए मैंने आज मेरी जगह तुमको अपने कमरे में भेजा था ताकि तुम भी इस बात से वाकिफ हो जाओ। यह कहकर वो रोने लगी। जैसे ही शाम को मेरे पति घर आए तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मेरी यह बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और बोले, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मोहब्बत के बीच रास्ते में छोड़ दूं, इसलिए इस बात को छुपाए रखा। कितनी मुश्किल से तो हमारी शादी हुई थी, इसलिए तुम उनके मामले में दखल अंदाजी ना ही दो तो अच्छा रहेगा। मैंने भी मेरे पति का कहना मान लिया और किसी से कुछ नहीं कहा। थोड़े ही दिन बाद मेरी जेठानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। यह देखकर मेरे ससुर खुद ही शर्मिंदगी महसूस करने लगे और अब जुल्म भी नहीं करते हैं। वो खुशी खुशी एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए हर बार औरत ही कसूरवार नहीं होती। कभी कभी जो हम अपनी आँखों से देखते हैं वो सच नहीं होता। किसी के बारे में गलत सोचने से पहले उसके हालत को समझना चाहिए कि वो किस हालात से गुजर रही है।
तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद।